पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जेक्टिव है इसका टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ केन शुगर, बल्कि इसको केन शुगर भी नहीं लिखते, ओके खाली शुगर लिखिए, क्योंकि जो अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के शुगर को यूज करेंगे, शुगर सॉल्यूशन अननोन लिख लीजिए यहाँ पे, अननोन शुगर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर, और क्या करेंगे बल्कि पोलैरिमीटर की हेल्प से शुगर सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन तो डिटरमाइन करेंगे करेंगे, साथ में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा मटेरियल है, कौन सा शुगर है इसमें, ठीक है। तो जो आईआईटी हैदराबाद की लैब है इसमें हम डिफरेंट तरीके के डिफरेंट कंसंट्रेशन के, ठीक है, तो एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या क्या है, पोलैरिमीटर, बैलेंस मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, सोर्स ऑफ लाइट, पोलैरिमीटर ट्यूब, थ्योरी फॉर्मूला हमने पीछे लास्ट में लिखा था, सेम वही है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, थ्योरी एंड फॉर्मूला द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन शुगर डिजॉल्व इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, एस है स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा है रोटेशन कितना रोटेशन हुआ उस शुगर सॉल्यूशन में पास होने के बाद लाइट, बी वॉल्यूम, एल कितनी मीटर लेंथ हमने उस पोलैरिमीटर ट्यूब को लिया, और एम जो है मास, कितना मास हमने रखा था शुगर का, एस इक्वल टू थीटा बाय एल सी भी रख सकते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में, है ना, तो वी एम अपॉन बी की जगह हम सी भी लिख सकते हैं, तो थीटा रोटेशन प्रोड्यूस इन डिग्री, एल लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, एम मास ऑफ शुगर इन ग्राम डिजॉल्व इन वाटर, वी वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, सी कंसंट्रेशन ग्राम पर सीसी, इसकी यूनिट जो होती है स्पेसिफिक रोटेशन की वो होती है डिग्री पर डेसीमीटर पर ग्राम पर सीसी, डिग्री पर डेसीमीटर ग्राम पर सीसी, और लिख सकते हैं डिग्री डेसीमीटर इनवर्स ग्राम पर सीसी इनवर्स, ठीक है, जैसे लिखना चाहे वैसे लिख लें। तो ये थ्योरी तो लिखी हुई है, तो स्लाइड चेंज कर देती हूँ, बताया भी था कि क्या होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो क्या होता है जब हम उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे, जिनके वाइब्रेशन या तो पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर होते हैं या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, इस तरीके की जो लाइट होती है इसके वाइब्रेशन सिर्फ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होते हैं, तो जब हम इसे किसी ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल में पास करते हैं तो वो इसके वाइब्रेशन को रोटेट कर देती है किसी एंगल, तो ये रोटेट हो जाते हैं, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल है, डेक्स्ट्रो के लिए वो तो कितना रोटेट कर रहा है इसका प्लेन पोलराइजेशन, है ना, या प्लेन वाइब्रेशन जो है कितने रोटेट कर रहे हैं वो थीटा मेजर कर लेते हैं हम, फिर स्पेसिफिक रोटेशन एस कैलकुलेट करते हैं, और ये जो थीटा है वो किस किस पर डिपेंड करेगा कि हमने कितनी कंसंट्रेशन रखी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा, जितना ही इसका लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा, तो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन लेंथ पर होता है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, लेंथ चेंज होगा कंसंट्रेशन चेंज होगा तो वॉल्यूम और मास भी चेंज होगा, तो इन सब का जो रेशियो है एस स्पेसिफिक रोटेशन वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, तो हर एक मटेरियल का फिक्स होता है कि कितना स्पेसिफिक रोटेशन होगा, तो कैलकुलेशन एस इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी रिजल्ट स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर लेंगे, बल्कि यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंट मटीरियल के स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करेंगे, टोटल 6 सैंपल होते हैं तो 6 सैंपल्स के रोटेशंस लिखेंगे, साथ में उस मटेरियल का नाम भी लिखेंगे कि हमने कौन सा मटेरियल आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये नहीं लिखेंगे बल्कि वो चार्ट लिखेंगे जिसमें सारे स्पेसिफिक रोटेशन लिखे हुए हैं, और हम उससे मैच करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट किससे मैच होता आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ऑब्जर्वेशन टेबल में एक लिख रखा है, मैंने यहाँ सैंपल का नाम नहीं लिखा है जानबूझ के, वरना तो आप भी फिर वो एक तो रिजल्ट आपको मिल जाता, तो आपको देखना है फिर ये रिजल्ट किसके लिए होगा, तो हम उस सैंपल का नंबर लिखेंगे, कितना वाटर हमने, वाटर फिक्स्ड है 100 ml ही रहता है, अब आप कितना शुगर उसमें डाल रहे हैं ये आपके ऊपर है, मैंने 30 ग्राम शुगर यूज़ किया था तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.3,
लेंथ डेसीमीटर में मतलब वहाँ पे आपके पास टू ऑप्शन है, या तो आप 10 सेंटीमीटर की ट्यूब ले सकते हैं या 8 सेंटीमीटर की ट्यूब ले सकते हैं। मैंने कैलकुलेशन इजी की वजह से 10 सेंटीमीटर की ट्यूब ली थी जो 1 डेसीमीटर होती है। फिर क्लॉकवाइज में कितना रोटेशन मिला, एंटी क्लॉकवाइज में कितना रोटेशन मुझे दिखा और उसका एवरेज ले लिया, और स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्मूले से मैंने एस कैलकुलेट किया जो 105 आया। तो 105 जिससे मैच होगा, उस जिसके भी नियर बाई होगा, ठीक है, वो आंसर आप लिख देख लेंगे यहाँ पे। फिर उसका आप, क्योंकि मेरा ये मैच हो रहा था तो मैंने फिर ये रिजल्ट लिख दिया। तो जब आप क्विज में वहाँ एंटर करोगे अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, अगर ठीक होगा तो आपको यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे, और 10 आ रहे हैं तो मतलब आपने सही आइडेंटिफाई किया, नहीं तो आपके रोटेशन चेक करने में कुछ दिक्कत है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। वर्चुअल लैब में आ जाइए। यहाँ से वर्चुअल लैब में क्या करिए, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। मैनुअल में जो मैंने अभी एक टेबल दिखाया जहाँ पे मटेरियल लिखा है और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन लिखी है, वो आप मैनुअल यहाँ से देख सकते हैं, मैनुअल में है वो, ठीक है, यहाँ पे नीचे, ठीक है। बाकी मैंने अभी स्लाइड में भी दिखाया था। क्या करिए, सिमुलेशन पे क्लिक करिए। सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करिए तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, नो योर पोलैरिमीटर एंड प्रोसीड टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहले पोलैरिमीटर पे देख लीजिए पोलैरिमीटर कैसा होता है। ये पूरा ऐप, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल ऐसा है जैसा हम लैब में करते हैं, इसलिए अच्छा लगा मुझे। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेड बटन आएगा, अब इस पर क्लिक करिए, साथ साथ कर भी सकते हैं। फिर ये एरो बता रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ओपन हो गया। तो ये जो जगह है, इस जगह हम वो ट्यूब रखते हैं जिसके अंदर हम मटेरियल फिल करके रखते हैं, लिक्विड फिल करते हैं। तो एक जो लैब में करते हैं, लैब में तो हम क्या करते हैं, एक बार वाटर के साथ करते हैं और एक बार शुगर के साथ करके देखते हैं। तो फिर उन दोनों में जो वेरिएशन है वो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन थीटा आ जाता है और स्पेसिफिक रोटेशन क्लियर वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, वो अननोन सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसको फिल करते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसा एक आपको सर्कल दिखाई देता है, इसमें यहाँ पे सर्कल भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 1 डिग्री, 5 डिग्री, नीचे यहाँ देखिए 10 डिग्री, इसमें किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्लस साइन कर रहे हैं तो ये इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, अगर माइनस साइन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ तो पोलराइजर होता है जो लाइट को पोलराइज करता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, सिंपल प्लेन पोलराइज लाइट बनाता है। वो प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे ट्यूब में पास होती है, फिर वो वाइब्रेशंस को रोटेट कर देती है जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल होता है। और यहाँ पे एनालाइजर होता है, इसको हम रोटेट कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एनालाइज करने के लिए लाइट। तो क्या करते हैं, या तो प्लस साइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं या माइनस साइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट कर लेंगे डिग्री, 5 डिग्री या 1 डिग्री। तो जब ज़्यादा वेरिएशन करना है तो डिग्री में करिए, फिर स्मॉल करना है तो 1 डिग्री से करिए। तो देखिए कि यहाँ पे पूरा जो सर्कल है, अभी पूरा येलो दिखाई दे रहा था हमको, तो अगर मैं इसे वापस से लाऊं, ध्यान से देखिए, ये पूरा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, मुझे अंतर नहीं दिख रहा है। और जैसे जैसे मैं प्लस साइन कर रही हूँ, इनके बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है और एक साइड का जो शेड है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं, एक बिल्कुल एक कंडीशन आती है जहाँ पे बिल्कुल वाइट हो जाता है ये रहा, ठीक है। अब इससे हम ज़्यादा बढ़ाएंगे फिर से ये वापस से कलर चेंज करेगा। अब हम वो रीडिंग नोट करते हैं जहाँ पर ये जो बीच में ये जो लाइन दिख रही थी ये वापस से सेम हो जाती है, ठीक है। तो उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई ट्यूब नहीं है तो देखिए 0 पे ही आ रहा है वापस से, है ना। लेकिन जब हम वहां पर करेंगे, तो जब हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ ये दोनों सेम दिखाई देंगे। तो उस रीडिंग को नोट कर लेंगे, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बैक करते हैं, अब प्रोसीड टू एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 सैंपल हैं, किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई सा भी सैंपल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं 2 सैंपल ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे आप अमाउंट भरेंगे कि कितना शुगर आप एंटर करना चाह रहे हैं। तो सपोज हमने 30 ग्राम एंटर किया, तो अब हमने 30 ग्राम जो है 100 ml में मिलाया। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, ये स्क्रीन खोलिए, उसके बाद मुझे बताइए अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं आगे का स्टेप बताऊँगी उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ तक आइए, फिर बात करते हैं।
इस विंडो तक आइए और मुझे बताइए आपको विंडो मतलब 30 ml करने के बाद ऐसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। एक बार देखिए, दिख रहा मैम। ऐसे नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ दिख रहा है? नो मैम। आपने जब अमाउंट भरा तो अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो क्या करिए, इसको जूम इन करिए, माइनस मतलब कंट्रोल माइनस का साइन दबा के इसको माइनस करिए। कई बार क्या होता है, ये इस साइज का रहता है, जब इस साइज का रहता है तो उसके बाद अगर आप चाहते भी हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे ये इस साइज का है तो हमें मुझे नेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने ये माइनस किया तो भी मेरे में नेक्स्ट नहीं आ रहा है, अभी भी मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, जबकि अभी आ रहा था। तो इसको क्या करिए, साइज कम करते जाइए कंट्रोल माइनस से। ठीक है, जब कंट्रोल माइनस से यस साइज कम मैम। कर लेंगे तो एक टाइम आएगा आपको ये नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ दिखेगा। अदरवाइज मैं इसको इधर उधर नीचे भी कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब पूछ रहा है ये आपसे कि प्लीज एंटर सेल साइज, आप ये कितनी लेंथ की ट्यूब लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 8 cm और 10 cm, मैं फिलहाल 10 ही लिख रही हूँ, कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है, 10 cm। ठीक है, मैंने क्या किया, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखी है। ठीक है, आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हो या फिर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, अपनी फाइल में करनी ही है बाद में। और मैंने यहाँ पे वो सारा पेज भी कर रखा है, कौन से मटेरियल का क्या स्पेसिफिक रोटेशन आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना जैसे फिलहाल क्या है, सैंपल नंबर 2 है, 100 ml लिया मैंने, फिर 30 g एंटर किया, कंसंट्रेशन 0.3 हो गया ग्राम पर सीसी, लेंथ मैंने 1 cm ली है। आप क्या करेंगे, रोटेशन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन ऑब्जर्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब एंटर साइज किया हमने, सपोज 10 किया था, ओके किया था, तो अब यहाँ पे क्या है, ये एरो बना के आ रहा है। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे अब ये वापस से ये हाफ सर्कल आपको दिखाई दे गया। तो सैंपल नंबर 2 है, सेल साइज 10 है, कंसंट्रेशन 30/100 ml है, तो हमें ये सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, जब आपको ये सर्कल दिखाई देगा तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे 1 कर सकते हैं, 5, इस पे क्लिक, देखिए इसके नीचे यहाँ पे ये है, इस पे क्लिक जरूर करिएगा। क्लिक नहीं करेंगे तो रोटेट नहीं होगा। सपोज मैं अभी 10 degree पे फिलहाल क्लिक कर देती हूँ, क्या करेंगे, प्लस साइन करूंगी तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन की रीडिंग ले रही हूँ, तो ये लाइट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इनिशियल में तो पहले लाइट होगा फिर डार्क होगा, अब ये दोबारा से डार्क होना स्टार्ट हुआ। अब ये जब डार्क होना स्टार्ट हुआ मुझे पता है कि अब 1-2 degree का ही वेरिएशन होगा, तो मैं 5 degree पे भी आ सकती हूँ और 1 degree पे भी आ सकती हूँ, फिर रोटेट करना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये हल्का हल्का चेंज हो रहा है, एक साइड का जो व्हाइट हो गया था वापस से डार्क होना स्टार्ट हुआ है, और ये लाइन जो बीच में दिख रही थी यहाँ पर, ये जो लाइन दिख रही थी, अब ये धीरे धीरे डल होनी स्टार्ट हुई है। तो इसको ऐसे ही क्लिक करते रहेंगे। देखिए मुझे तो अब फिलहाल लाइन नहीं दिख रही है, तो 8 degree पे मुझे यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही है, तो जो रीडिंग नोट करूंगी मैं 8 लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीडिंग क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8। ठीक है, अब वापस से इसमें आएंगे, अब माइनस, पहले तो 0 पे आएंगे। ठीक है, तो बीच में यहाँ हल्की लाइन है, अब 0 से फिर हमने माइनस स्टार्ट किया। पहले 10 का ही सिलेक्ट कर लेते हैं, पता है शुरू में तो बहुत रोटेशन जाना पड़ता है। अब ये वापस से डार्क होना स्टार्ट हुआ, अब हम 5 degree कर लेते हैं।
फिर माइनस, अब 1 डिग्री कर लेते हैं, देखिए 21 डिग्री पे मुझे तो लाइन नहीं दिख रही है, 21 20 डिग्री पे, तो फिलहाल मैं 21 20 डिग्री लिख लेती हूँ, ठीक है। तो सपोज मुझे 20 डिग्री पे अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इन दोनों का मीन ले लेंगे, 14 आ रहा है। स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन हमारा क्या भी आ रहा है, मेरा 46 आ रहा है, 46 प्लस में अब किससे मैच करेगा, यहाँ तो नहीं है, ये हो सकता है, इसके पास भी नहीं है, तो यही दो ऑप्शन है, डी ग्लूकोज या लैक्टोज ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं इसे 21 रखती हूँ, क्योंकि 21 पे भी दिख गया था, तो भी देख सकते हैं, 14.5 कर लें इसे, 48, तो यही है, डी ग्लूकोज या लैक्टोज में से कुछ होगा, तो डी ग्लूकोज पास है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर में जाएंगे चेक करने के लिए कि हमने जो किया वो सही है क्या, तो हमारा डी ग्लूकोज मैच कर रहा था, तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, देखिए 10, ठीक है। तो यानी कि हमने जो आइडेंटिफाई किया वो ठीक आइडेंटिफाई किया, तो वो जो हमने सेकंड सैंपल सेलेक्ट किया था वो डी ग्लूकोज का ही सैंपल था, ठीक है। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम हमारा व्यू कि हमें ये जो सर्किल है किस टाइम ऑब्जर्व हो रहे हैं कि दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सारे सैंपल्स को 1 से लेके 6 तक सभी सैंपल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, प्लस दूसरा काम क्या करना है, उनका स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना है, मैच करना है अपना आंसर, और आप चाहे तो अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने 30 ग्राम मिलाया था, आप 20 ट्राई कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, और देख सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे उतना ही आपको आंसर आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो करना स्टार्ट करिए, और फिर किसी से नहीं हो रहा है कोई डाउट है तो पूछिए। इतने में अलग अलग सॉल्यूशन के लिए आइडेंटिफाई करिए, स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे। मैम एक बार फिर से बता देंगे क्या कैसे लेंगे रीडिंग? बताया था मैंने, मैंने एक कौन सा भी दिया था, तुम ही लूंगी दोबारा भी, ठीक है। 30 की जगह आप कितना भी कर सकते हैं, सपोज आप 40 कर लेते हैं, 40 लिया, नेक्स्ट है या एंटर करेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब, ओके करिए। हाँ सैंपल 1 2 3 कौन सा ले रहे हैं वो आपको नाम लिखना है शानवी, ठीक है, ओके करिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखा, ये एरो बना हुआ आता है, जब आप लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करिए तो ये सर्कल दिखाई देता है, प्लस पे ही क्लिक करते रहेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रीडिंग होगी, माइनस पे ही क्लिक करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो एंटी क्लॉकवाइज की रीडिंग होगी, है ना। तो प्लस हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 10 डिग्री पे सेलेक्ट किया प्लस साइन और इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो ये ऐसे लाइट होता चला जाएगा आपका, ठीक है। फिर वापस डार्क होना स्टार्ट हुआ तो क्या करेंगे, इसको 5 डिग्री पे कर सकते हैं आप, थोड़ा हल्का रोटेट करेंगे, प्लस किया, ठीक है। फिर 1 डिग्री पे सेलेक्ट कर लीजिए वापस से, अब और डार्क हो रहे हैं, डार्क करिए, जब ये सर्कल आपको पूरा डार्क दिखाई दे जाए, बीच में लाइन वापस से वैनिश हो जाए, वो रीडिंग आपको नोट करनी है। तो प्लस में आ रहा है इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे ये आ गया है, मुझे अब लाइन नहीं हल्की दिख रही है अभी, बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल जब इक्वल उसका दिख जाए, अब यहाँ कोई लाइन नहीं दिख रही है, तो 13 अभी मुझे जो है 13 दिखाई दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी सैंपल 2 ही रखा है, दोबारा से ये 100 लिया है, यहाँ पे मैंने 30 की जगह अभी 40 ले लिया है, कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो गई, अगर इसको डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.4 हो गया, लेंथ मैंने 10 ही लिया तो 1 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 13 डिग्री, है ना। तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 13 लिख दिया, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। अब इसको पहले तो जीरो पे ले आएंगे, ठीक है। अब ये जीरो पे आ गया है, अब इसको हम वापस से 10 पे क्लिक करेंगे और माइनस साइन से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अभी वापस से फिर लाइट हुआ एक साइड है इसका, फिर डार्क होना स्टार्ट होगा, माइनस क्लिक करते रहेंगे। अब देखो डार्क की तरफ जा रहा है, मैं 5 डिग्री पे आ जाती हूँ, फिर क्लिक कर रहे हैं, अभी और डार्क हो रहा है, तो अब ये 1 डिग्री पे आ जाते हैं, फिर माइनस पे ही क्लिक करते रहेंगे और ये बीच की लाइन धीरे धीरे वैनिश होने लग रही है, ये सेम होने लग रहा है और ये सेम लग रहा है मुझे, ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो 28-29 के अराउंड मुझे ये सेम लग रहा था। तो यहाँ पे आप कितना भरेंगे, 28 भर दिया क्योंकि मुझे 28 पे लग रहा था। फिर तो इसका एवरेज ले लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो 20 आ रहा है। यहाँ पे एंटर करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए, इक्वल थीटा है हमारा 20.5 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है 0.4 और लेंथ क्योंकि मैंने 1 ली है तो लेंथ तो 1 से डिवाइड करेंगे, 10 सेंटीमीटर यानी 1 डेसीमीटर तो इतना ही रहेगा, तो ये 51। तो अब 51 किससे मैच कर रहा है, तो ऑब्वियस है डी ग्लूकोज हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई में कर चुकी हूँ। तो देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाने पे और उसके नज़दीक आंसर पहुँच गया है ना, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे उतना ही आपके पास चांस है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का। तो 40 पे और पास आ रहा है, अगर मैं इसको 20 रखती तो बहुत दूर होता, फिर शायद हम गैस ही मारते रहते कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक सैंपल के लिए किया, आप क्या करिए हर सैंपल के लिए करिए, सैंपल 1 की 2-3 रीडिंग लीजिए कि 30 पे इतना था, 40 पे इतना था, 50 पे इतना था ना, ग्राम इतने ग्राम पे, ऐसे ही सैंपल 2 के लिए, ऐसे सैंपल 3 के लिए, सब सैंपल्स के लिए करिए। पहले एक एक रीडिंग ले लीजिए, फिर दो दो दूसरी रीडिंग लीजिए, है ना, और फिर जब सैंपल आइडेंटिफाई हो जाए तो यहाँ पे उस सैंपल का नाम भी लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन टेबल में। मैं शानवी का जो आंसर है वो लिख रही हूँ, शानवी ने बताया कि 1 जो उसको आइडेंटिफाई हो रहा है वो डी फैक्टोस हो रहा है, वो जो है डी ग्लूकोज है, 3 ये है 4 डी एल्बिनोज। क्विज में भी चेक करिएगा क्योंकि क्विज में जब क्लिक करेंगे तो पता लगेगा कि आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुक्रोज, अच्छा पॉजिटिव ही आ रहा होगा, सुक्रोज में तो डी और वो कुछ है नहीं, है ना। सिक्स प्रभास बोल रहा है मोल्टोज है, तो देखिए मैं तो जो आपका आ रहा है वही लिख देती हूँ, 6 मोल्टोज आ रहा है, सब लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये शानवी और प्रभास के अकॉर्डिंग हो गया है और निकिता ने फर्स्ट सैंपल वेरीफाई कर दिया कि निकिता का भी फर्स्ट सैंपल यही आ रहा है, ठीक है, तो कर लीजिएगा।